योर क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड एडिशन। आज जो हम करने वाले हैं वो है वर्टिकल एडिशन। पिछली वीडियो में हमने क्या था हॉरिजॉन्टल एडिशन और उसके एक्सरसाइज 3E। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारे वर्टिकल एडिशन और उसके एक्सरसाइज 3F। ओके, तो हम वर्टिकल एडिशन में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एडिशन में हमारे पास जो नंबर थे वो इस तरीके से थे, नंबर लाइन की तरह। इस बार क्या होगा, हमारे पास नंबर होंगे वर्टिकली, मतलब सीधे एक के ऊपर एक के नीचे एक, इस तरीके से। जब नंबर हमारे पास बनेंगे होंगे वर्टिकली, हम उसको ऐड करेंगे, ये होता है वर्टिकल एडिशन। इसे किस तरीके से करना है, उसी तरीके से करना है। बस यहाँ पे नंबर क्या वर्टिकली प्लेस, जैसे कि हमारे पास 5 है, 5 हमारे पास सीधा है, 5 के बाद हम 3 तक क्या करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग बढ़ाएंगे। 3 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे क्या होगा, 3, 5, 6, 7, 8। 5 के बाद हमने फॉरवर्ड काउंटिंग चलाई 3 बार, तो कितने हुए, 5, 6, 7, 8, तो हमारा आंसर आ गया 8। हमें क्या करना है, सिर्फ फॉरवर्ड काउंटिंग चलानी है, ऊपर वाले नंबर को देखना है, या नीचे वाले नंबर से फॉरवर्ड काउंटिंग चलानी है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे कितने हुआ, 1 दिया हुआ है। आगे हमें किससे ऐड करना है, इसको 3 से ऐड करना है, मतलब 1 के बाद हमें फॉरवर्ड काउंटिंग चलानी है 3 तक। ओके, तो हम करेंगे 1 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग 3 तक, क्या होगा, 1 के बाद 2, 3, 4, तो ये हमारा आ गया 4। 1 के बाद हम फॉरवर्ड काउंटिंग चलाते हैं 3 तक, तो हमारा क्या नंबर रुकते हैं, नंबर 4 पे। ओके, इस तरीके से हम वर्टिकल एडिशन करते हैं, एकदम ईजी है, हॉरिजॉन्टल एडिशन की तरह। बस हॉरिजॉन्टल एडिशन में क्या होता था कि नंबर इस तरीके से प्लेस होते थे, और वर्टिकल एडिशन में क्या होता है, नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे प्लेस होते हैं। उसमें क्या करना है, हमें पहले फर्स्ट नंबर तक जाना है, देन हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है 3 नंबर तक, जैसे कि हमने यहाँ किया था। हमारे पास ऊपर नंबर क्या है, 5 नंबर है। फॉरवर्ड काउंटिंग करने में क्या होगा, 5 के आगे 6, 7, 8, हम पहुँच गए 8 पे, ये हमारा आंसर है। ओके, इस तरीके से हमें वर्टिकल एडिशन करते हैं। अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3F वाले हमारे एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन है, हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो है 3 + 2, तो पहले हम जाएंगे 3 तक सीधा, फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 2 तक। 3 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होगी, 4, 5, तो पहले हम नंबर 3 तक गए, देन हमने 2 नंबर की फॉरवर्ड काउंटिंग की है, हम पहुंच गए 5। ओके, आगे हमारा नंबर है 1, हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है 3 तक, तो हम पहले 1 पे जाएंगे, 3 तक आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग 3 तक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2, 3, 4, हमारे नंबर आ गए यहाँ पे 4। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास 5 + 4 है, तो 5 तक हम जाएंगे, 5 के आगे हम 4 तक फॉरवर्ड काउंटिंग आगे बढ़ाएंगे, तो 5 पे 4 तक फॉरवर्ड काउंटिंग बढ़ाने का क्या आएगा, 6, 7, 8, 9। 5 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करिए, तो 6, 7, 8, 9, 9 तक आ गया हमारे पास, हमने 9। आगे हमारे पास है 4 + 3, तो 4 तक तो हम है ही, आगे हमें 4 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग, काउंटिंग को आगे बढ़ाने कहाँ तक, 3 तक। तो 4 के बाद हम काउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे तो कैसे होगा, 5, 6, 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद हमारे पास है 1 + 4, तो 1 पे तो हम है ही, आगे हमें काउंटिंग कहाँ तक पड़नी है, 4 तक आगे हमें काउंटिंग और बढ़ गई, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 पे, 1 तक हम हैं, 4 तक जब काउंटिंग आगे बढ़ेंगे 1 के बाद, तो हमारा नंबर होगा, नंबर होगा 5, और ये हमारा आंसर है। आगे हमारे पास नंबर है 5 + 2, तो 5 तक तो हम हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग बढ़ेंगे हम 2 तक, आगे हम 5 के बाद 2 नंबर तक और बढ़ेंगे तो क्या होगा, 6, 7, 5 के बाद आता है 6 और दूसरा नंबर है 7, तो 7 हमारा क्या है, आंसर है। देन हमारा पास जो है नंबर वो है सेकंड लास्ट, वो है 8 + 1, 8 तक हम हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग क्या करेंगे, 1 तक हमें फॉरवर्ड काउंटिंग चलानी है, तो 8 के बाद आता है 9, हम लिखेंगे 9। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 5 + 2, 5 तक तो हम हैं, 2 तक क्या करना है, हमें फॉरवर्ड काउंटिंग बढ़ानी है, 2 तक हम आगे नंबर को बढ़ाएंगे, तो 5 के बाद 2 नंबर तक क्या आएगा, 5, 6, 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7। ओके, ये थी आपकी वर्टिकल एडिशन और एक्सरसाइज 3F जो हमने कर लिया। वर्टिकल एडिशन में क्या करना होता है, नंबर को फॉरवर्ड काउंटिंग ही करनी होती है, नंबर को फॉरवर्ड काउंटिंग से ही ऐड करना होता है, हमें ऊपर नंबर दिया गया।